नहीं होने देते। ये कहीं भी रख देते हैं। अरे आ गए आप, काफी देर कर दी आने में। हाँ तो ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था, क्या करता। लाइए सामान दीजिए, खाना बनाना है। कौन सा सामान? अरे आप राशन लाना भूल गए, चावल आटा। अरे यार हाँ भूल गया मैं, क्या करूँ। एक काम करो ना, तुम जाके ले आओ ना। आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे नहीं तो कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचो। ऊपर से शॉप कितनी दूर है, ऐसी हालत में कैसे जाऊंगी। अरे यार आज बहुत थक गया हूँ ऑफिस से आते आते, क्या करूँ। मैं इसीलिए बोल रही हूँ ना, मेरी एक सहेली है उसे बुला लो ना घर पे, मेरी एक मदद भी हो जाएगी साफ सफाई के काम में। सहेली? अरे तुमको कितनी बार बोला है, अगर सहेली को रखोगी तो खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, वो सब भी देखना पड़ेगा। और ऊपर से घर के काम में है क्या, बस ये झाड़ू पोछा थोड़ा बर्तन ही तो होता है घर में, इसके अलावा और क्या करना होता है बोलो। छोड़ो आप नहीं समझोगे, खैर खाने का क्या करना है अभी। खाने का एक काम करो, बस बाहर से कुछ हल्का फुल्का मंगवा लो। कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी हालत में बाहर का खाना कैसे खा सकती हूँ। तो दूध पी के सो जाओ ना, मेरे को भी, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम जाओ ना, लेके आ जाओ ना, ठीक है। करूं मैं आज, बिना खाए ही सो जाती हूँ। सुनिए। हाँ। ये बोल रही थी कि कल राशन आप भूल गए थे तो आज लेते आइएगा। अरे हाँ यार ले आऊंगा। ध्यान से लेते आइएगा आज ही। हाँ ठीक है नहीं भूलूंगा, तुम जाओ जाके काम करो। हाँ डॉक्टर। बैठो मैं चेक करती हूँ, बैठ जाओ। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है।
आपके हस्बैंड कहाँ है? ऑफिस गए डॉक्टर, वो एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, बस मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, इस वजह से थोड़ा चक्कर आ गया था। तो आपने उनको कॉल नहीं किया? वो ऑफिस के काम में है। अच्छा, जरा कॉल लगाइए उनको, मुझे बात करनी है उनसे। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर बात कर रही हूँ, कहाँ हैं आप? जल्दी घर पे आ जाइए, मुझे आपसे अर्जेंट काम है। क्या हुआ डॉक्टर? कहाँ थे आप? क्या हुआ डॉक्टर? देखिए, आपके बीवी और बच्चे को बचाने के लिए तुरंत ही एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? क्या डॉक्टर, क्यों, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको 1-2 लाख रुपए की खर्चा आ सकता है। 1-2 लाख का? डॉक्टर देखिए, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं लोन ले लूंगा, किसी से मांग लूंगा, मैं कर्जा ले लूंगा, लेकिन डॉक्टर प्लीज, मेरे बच्चे और बीवी को कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन आपको इनकी 2 महीनों तक पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अरे डॉक्टर, हर पल हर समय इनके साथ रहूंगा मैं। एक सेकंड के लिए भी नहीं जा सकते? मैं नहीं जाऊंगा, मैं हर समय रहूंगा डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 महीना मैं हो तो भी यही रहूंगा, मैं सारा काम छोड़ दूंगा डॉक्टर। क्या हुआ, अब आई अकल ठिकाने में? मतलब क्या हुआ? मैं तो सिर्फ यही देख रही थी कि मैंने तुम्हें ऑपरेशन और इमरजेंसी का क्या बोल दी, तुम घबरा गए। मतलब? मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी एकदम ठीक है, बट इसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई साथ में चाहिए। जो मैंने बोला वो सच भी हो सकती है तुम्हारी लापरवाही से, अब समझे? मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा डॉक्टर, मैंने तो सोचा भी नहीं था डॉक्टर कि कभी ऐसा इस तरीके की हो जाएगी हरकत। मैं आपसे हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। ऐसे वक्त में माँ और बच्चे दोनों की जिम्मेदारी का ख्याल एक पति का होता है, एक बाप का होता है। अगर तुम्हारे जैसे सब करेंगे तो हमारी देश में नारी की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, कल से मैं अपना सारा काम छोड़ के अपने बच्चे की और अपने बीवी की देखभाल करूँगा, किसी चीज की तकलीफ नहीं दूंगा। मैं सोचता था ये मुझे बुलाती थी मैं, लेकिन मैं कभी नहीं आता था, लेकिन आज आपने मुझे बुलाया तो मैं सारा काम छोड़ के आ गया। इसके पेट में एक नन्ही सी जान है, इसकी परवाह मुझे सताने लगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर।